नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया और आप लोगों की प्यार की वजह से मास्क मैन ने मुझे फाइनली छोड़ दिया यार। मैं इतना ज्यादा डर गया था ना लिटरली कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं इस जगह से कभी बाहर भी निकल पाऊंगा या नहीं। लेकिन उसने बोला कि उसने कोई चैलेंज आप लोगों को दिया था शायद, है ना, और कोई टास्क दिया था और उसने बोला था कि अगर आप उस कहानी में से छुपे हुए सवाल के जवाब दे देंगे तो वो मुझे छोड़ देगा। तो उसने मुझे स्पेशली बोला है, कुछ लोगों का नाम दिया है और उनके जवाब भी बताया है और बोला है कि इनको स्पेशली थैंक यू बोलना क्योंकि उन लोगों की वजह से मैं छूटा हूँ। तो सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा पूरा करना चाहूंगा धर्मेंद्र कुमार का, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ऐसे और एक दो नाम है, ध्यान से सुनिए। धर्मेंद्र कुमार ने कमेंट करके ये बताया कि 4:10 में, मतलब सॉरी 4:10 में मास्क मैन ने ये बोला है कि वो अमेज़न के जंगल में था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि वो अमेज़न के जंगल में रह के IPL मैच देख रहा था और उसे चेयर गर्ल के बारे में पता था, जबकि वहाँ पे तो कोई इंटरनेट कवरेज होता ही नहीं, जबकि वहाँ पे तो कोई डिसकनेक्शन या टीवी होती ही नहीं। तो उसे IPL के बारे में कैसे पता चला, चेयर गर्ल के बारे में कैसे पता चला और फाइनली उसने IPL कैसे देखा। तो ये बहुत सही पकड़ा धर्मेंद्र कुमार ने। लेकिन उसने ये भी बोला मुझे मास्क मैन ने कि 80% ही जवाब सही था, 20% बचा हुआ था। दूसरा नाम मैं बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ 20% क्या बचा हुआ था। दूसरा नाम है मुस्कान ड्राइंग एकेडमी की, जिन्होंने ये बोला कि अगर पुलिस ने केस बंद ही कर दिया था, मतलब केस खोला ही नहीं, खुलने से पहले ही बंद कर दिया, तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगी, सीधी बात है। और अगर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई तो दुनिया को कैसे पता चला इस केस के बारे में, इस कहानी के बारे में, और ये एक अर्बन लेजेंड कैसे बना। यार सही बात है, ये जो मास्क मैन था उसने यहीं पे झोल डाला था, उसने बोल दिया था कि केस कभी खुला ही नहीं, केस खुला ही नहीं होता तो ये अर्बन लेजेंड बनता ही नहीं। क्लियर सी बात है कि पुलिस ने इस केस के ऊपर छानबीन की थी और फिर पूरी दुनिया को इस केस के बारे में पता चला था। और एक और चीज जो कोई भी नहीं पकड़ पाया उसका जवाब ये है, उसने ये बोल दिया था कि 50 साल पहले की कहानी है। कहानी में बीच में कहीं बोला था कि 50 साल पहले का किस्सा, और उसने ये भी बोला था कि वो अपने साथ मोबाइल लेके नहीं गई थी। अब आप सोचो कि 50 साल पहले मोबाइल होता था क्या? बिल्कुल भी नहीं होता था, इसीलिए उसने ये बोला कि 80% ही जवाब सही था। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जिन लोगों ने कमेंट करके मुझे हेल्प की यहाँ से निकलने में। तो खैर मैं वहाँ पे रह रहे के, अब मैं इन बात करता हूँ, मैं वहाँ पे रह रहे के ना मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा डर बैठ गया था कि क्वारंटीन ऐसा लगने लगा था कि यार मार्च से भी ऐसे क्वारंटीन शुरू हो गया था और मैं फिर से आ गया हूँ। तो ये इतना ज़्यादा मेरे अंदर कैद वाली चीज़ें घुस गई ना कि मुझे एक कैद वाली कहानी, एक कैद वाला किस्सा याद आ गया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन यार, अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो कि आपको जिंदगी भर के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़े तो क्या फील होगा, कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ। जस्ट इमेजिन अगर किसी के साथ कभी ऐसा हुआ हो कि उसे पैदा होने से लेकर उसके मरने तक सिर्फ क्वारंटाइन में रखा गया हो तो उसके ऊपर क्या बीती होगी। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा ये किस्सा एक ऐसे ही लड़के के ऊपर आधारित है जिसका नाम था डेविड वेटर और उसका जन्म 21 सितंबर 1971 को हुआ था, जिसे जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ और सिर्फ क्वारंटाइन में ही रखा गया था। ना वो पूरी जिंदगी में किसी को छू पाया, ना ठीक से किसी से बात कर पाया, ना ठीक से कभी खाना खा पाया और ना ही खुल के आजादी से हमारी तरह चल पाया, बोल पाया, कहीं बैठ पाया। दोस्तों ये कहानी इतनी ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक है कि इमेजिन करते से ही आपके रोंगटे खड़े नहीं हो गए। तो नाम बदल देना, बस एक प्रॉमिस करो कि कहानी अच्छी लगे, मेरा जज्बा अच्छा लग रहा है, मेरा अगर इंफॉर्मेशन का तरीका अच्छा लग रहा है आपको देने का ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों मैं अपना काम करते रहूंगा, आप अपना काम करते रहो, फिलहाल अभी हम कहानी शुरू करते हैं। ये किस्सा शुरू होता है एक ऐसी फैमिली, वेटर फैमिली से, जिनकी फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म होते से उस बच्चे को एक ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी के चलते वो बच्चा किसी को भी नहीं छू सकता था, किसी के इतने से भी संपर्क में नहीं आ सकता था। दोस्तों ये कैसी बीमारी थी जिस बीमारी में अगर वो किसी के इतने से भी संपर्क में आता ना तो वो तुरंत मर सकता था। दोस्तों बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, इस बीमारी का नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, दोस्तों जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में SCID भी कहते हैं। और ये इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी, इतनी ज्यादा खौफनाक और दर्दनाक बीमारी होती है ना कि COVID-19 तो इतनी सी चीजें, इसके सामने कुछ भी नहीं है। शुक्र करो कि ये पूरी दुनिया में नहीं फैली है। ये बीमारी अगर किसी को भी होती है ना तो उसके शरीर में ऐसे ऐसे वायरसेस का हमला हो जाता है जिस वायरसेस के बारे में पूरी दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट ने कभी समझा ही नहीं होगा, कभी पढ़ा ही नहीं होगा, कभी देखा ही नहीं होगा, कभी जाना ही नहीं होगा। दोस्तों बिल्कुल सही समझे आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब लोग मेरी ये बातें सुन रहे हैं, तो आपके पूरे शरीर में ऐसे इतने सारे सैनिक हैं जो हर पल, हर सेकंड, हर वक्त आपसे, आपको
प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जंग लड़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। इसलिए मैं अपने हर तरह के वीडियो में इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने की बात करते रहता हूँ, निया की दुनिया के हर एक वीडियो में। आप लोग उस वीडियो को देखो, समझ जाओगे। खैर अभी वो बात साइड में, अभी हम इम्यूनिटी सिस्टम की बात करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है हर तरह के वायरसेस से लड़ती है और आपकी तबीयत अच्छी रहती है हमेशा। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते, उम्र गुजरते गुजरते आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ये थोड़ा वीक हो जाता है। इस वजह से बुढ़ापे में आपको कोई भी बीमारी जल्दी लगती है और इसी वजह से किसी भी इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, अभी के टॉपिक पे हम बात करते हैं। जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ये अगर किसी भी इंसान के अंदर नहीं रहे, रही नहीं, बिल्कुल जीरो इम्यूनिटी रहे, तो उसे ये बीमारी होती है जिसका नाम SCID होता है। अब जिसे भी SCID हो गया और अगर वो किसी के भी संपर्क में आ गया और इतना सा भी उसके अंदर वायरस चले गया तो उसके शरीर में इतनी तरह के कैंसर हो सकते हैं कि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो खैर मैं तो कहीं और ही आ गया बीमारी के ऊपर। अब बीमारी को आप लोग क्लियरली समझ गए कि बीमारी है क्या। वो इंसान जिंदगी भर किसी को छू नहीं पाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। खैर अभी बीमारी को रखो साइड में, अभी हम बात करते हैं वेटर फैमिली की। तो वेटर फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसे पैदा होते से ये बीमारी थी। तो डॉक्टर ने उसे एक कैप्सूल में रख दिया था, उसे बहुत उसका देख रेख बाज बचाव किया गया उसका। और फाइनली लेकिन क्या हुआ कि वो किसी के संपर्क में आ गया, सिर्फ किसी आदमी के बोलने के चक्कर में ही उसे बहुत सारे वायरसेस ने घेर लिया और 7 महीने की उम्र में ही उसका देहांत हो गया, मतलब कि वो मर गया। अब फाइनली डॉक्टर्स ने वेटर फैमिली को ये बता दिया कि आप कभी भी किसी भी बच्चे का ट्राई मत करना क्योंकि आपके हॉर्मोन्स में शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके आने वाली पीढ़ियों को ये बीमारी चलती रहेगी। और अगर आपकी पीढ़ियाँ बढ़ गई तो ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल सकती है, तो स्टे सेफ। लेकिन उन्होंने डॉक्टर की बातों को इतनी ज्यादा तजुर्बा ना देते हुए एक और बेटे के लिए, बच्चे के लिए ट्राई किया, जिसकी वजह से उनकी एक बेटी का जन्म हुआ। जो बेटी बिल्कुल फिट एंड फाइन थी, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वेटर फैमिली को इंडिया की तरह ही एक बेटा भी चाहिए था। फिर से उन्होंने डॉक्टर से डिस्कस किया, डॉक्टर ने फिर से उसे मना किया, लेकिन उन्होंने फिर से कुछ टाइम बाद फिर से ट्राई किया एक और बच्चे के लिए कि इस उम्मीद में कि हमें बेटा हो जाए। और फाइनली उन्हें बेटा हुआ। लेकिन हर समय इंसान की किस्मत बहुत अच्छी नहीं होती है। पैदा होते से ही कुछ ही पलों में डॉक्टर ये समझ गए कि इसी भी वही बीमारी है जो वेटर फैमिली के पहले बच्चे को थी। उसे पैदा होते से एक ऐसी कैप्सूल में रख दिया गया जिस कैप्सूल में जो एक तरीके से पूरी तरह से वो कैसे एक वो होती यार जिसके अंदर हवा भी नहीं आ सकती ढंग से, मतलब आप समझ रहे ना मेरी फीलिंग्स को, समझो वर्ड्स मेरे पास है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसे एक ऐसी कैप्सूल में डाल दिया गया। उम्र बढ़ते बढ़ते उस कैप्सूल का साइज भी बढ़ाया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस कैप्सूल में उस बच्चे को रखा गया तो वो सांस कैसे लेता था। दरअसल एक जनरेटर और एक मशीन की वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन भेजा जाता था और वो सांस ले पाता था। आवाज इतनी ज्यादा होती थी जनरेटर की, नॉनस्टॉप, सोचो जनरेटर बज रहा है आपके कान के पास, कैसे एडजस्ट करोगे। लेकिन उसके माँ बाप ने उसे एडजस्ट किया। विश्वास नहीं मानोगे, इस बच्चे का नाम था डेविड वेटर, जिसका जन्म 21 सितंबर 1971 को हुआ था। ये अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ और सिर्फ क्वारंटीन रहा। ये अपनी माँ को कभी छू भी नहीं पाया दोस्तों, ना ही किसी बच्चे के साथ खेल पाया, ना कभी ये स्कूल जा पाया, ना कभी ये मूवी देखने जा पाया, और ना ही ये कभी ऐसी कुछ चीज़ें कर पाया जो हम लोग अपनी आम जिंदगी में कर पाते हैं एज अ बच्चा। तो अभी मैं बताता हूँ इसके साथ क्या सीन हुआ था। जब ये खाना खाता, अब सोच रहे होंगे कि आप अब मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड के लिए भी बाहर आएगा ना तो इसको बीमारी हो जाएगी। तो इसे खाना कैसे देते होंगे, इसको खाना स्टेरलाइज करके दिया जाता था, मतलब उसके खाने में इतना सा भी कोई वायरस, इतने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो स्टेरलाइज किया जाता था। एक गैस होती है, उस गैस का मैं नाम भूल रहा हूँ, उस स्पेशल तरह की गैस की वजह से उसे नंगे हाथों से हाथ भी नहीं लगाते थे उसे खाने को। उसे खाना भेजा जाता था, एक सिस्टम लगाया गया था उसे कैप्सूल में, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि अब आप सोचते होंगे कि वो एक ऐसे कैप्सूल के अंदर था कि वो ट्रैवल कैसे करता होगा। उस कैप्सूल को तो ढंग से कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था वरना प्रॉब्लम हो जाती। तो क्या होता था, उसे एक ऐसी कैप्सूल दी गई जो मूवेबल थी, जिसकी वजह से वो चलना भी सीखा लेकिन बहुत लेट। वो कभी कभी बाहर भी निकलता था। एक बार वो मूवी थिएटर में जाके थिएटर में मूवी भी देखा था दोस्तों। अभी ये जो डेविड की जो लाइफ थी ना, ये आम बच्चों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसकी जो बहन थी वो इतनी ज़्यादा समझदार थी कि वो डेविड के कैप्सूल के बाजू में ही सोती थी, उससे बातें भी करती थी, कभी कभी नॉर्मल भाई बहन की तरह झगड़ा भी करती थी। उसकी माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी, उसकी माँ बाहर बैठ के उसको किताब के जरिए पढ़ाई भी करवाती थी। 6 साल की उम्र में डेविड को नासा ने एक ऐसा सूट डिज़ाइन करके दिया था जिस सूट की वजह से वो
वो एक तरह एस्ट्रोनॉट दिखता था, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बच्चे की वो जिंदगी थी वो बेचारे की। तो लेकिन वो डेविड को पसंद नहीं आया, उसे ऐसा लगा कि मैं एस्ट्रोनॉट जैसा दिख रहा हूँ तो मुझे नहीं पहनना, मुझे पसंद नहीं है। तो उसने वो उसे निकलवा दिया और उसने बोला कि मेरे लिए तो मेरी कैप्सूल ही ठीक है, मैं वहीं पर रहूँगा। दोस्तों अब क्या हुआ, 12 साल की उम्र होते होते तक डेविड बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी बन चुका था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता होगा, क्लियर सी बात है। अगर हम लोग कुछ दिन के लिए क्वारंटीन थे तो हम लोग ऐसे हो गए थे, तो वो बच्चा तो ज़िंदगी भर से था, अब उसकी 12 साल की उम्र हो चुकी थी तो कितना ज़्यादा इरिटेट रहा होगा। तो डॉक्टरों ने पहले बताए हुए थे कि अगर इसकी जान बचाना है तो इसके शरीर में हमें बोन मैरो देना पड़ेगा, यानी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा बोन मैरो को। अगर वो बोन मैरो उसके शरीर में मिल जाती है, एग्जैक्ट मैच वाली मिलेगी तभी उसको दी जाएगी। और अगर मिल जाती है ना, तो उसके शरीर में वाइट ब्लड सेल्स पैदा होने लगेंगे, जिसकी वजह से उसके शरीर में अपने आप इम्यूनिटी सिस्टम बन जाएगा और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। 12 साल की उम्र में डेविड ने ये जिद की कि अगर किसी से भी मेरा बोन मैरो नहीं मिल रहा है तो बहन से दिलवाओ, माँ से दिलवाओ, पापा से दिलवाओ, लेकिन मुझे बोन मैरो चाहिए और मुझे ये दुनिया में जीना है, मुझे ये दुनिया में चलना है, मेरा भी पूरा हक है, अगर मेरा जन्म हुआ है तो, नहीं तो मुझे मार डालो। इस बात से माँ बाप का दिल बहुत ज़्यादा पसीज गया, उसकी बहुत सारी जाँच कराई गई, तरह तरह के लोग आए, रिश्तेदार आए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए। फाइनली उसका बोन मैरो जो था उसके बहन के साथ मैच हो गया, बहन भी इतनी ज़्यादा समझदार और इतनी ज़्यादा प्यारी, तुरंत तैयार हो गई बोन मैरो देने के लिए। लेकिन जैसे उसके शरीर में बोन मैरो लगा दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ, उसकी बहन के शरीर से एक वायरस, एक ऐसा वायरस जो कि बहुत नॉर्मल है, जो इस वक्त मेरे शरीर में ना जाने कितने सारे होंगे, आपके शरीर में भी होंगे, वो वायरस उसके शरीर में चले गया। लेकिन वो वायरस से लड़ाई करने के लिए हमारे सैनिक हमारे पास है, हमारी इम्यूनिटी हमारे पास है, तो लड़ाई कर रहे तो हमें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन उस बच्चे की लाइफ अलग थी, उस बच्चे का इम्यूनिटी था ही नहीं, इस वजह से वो वायरस की वजह से उसके शरीर में 33 तरह के कैंसर हो गए, 33 तरह के कैंसर। इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, एक हफ्ते तक वो हॉस्पिटल में रहा, जिंदगी ऐसी हो गई थी कि खड़े होने के काबिल भी नहीं बचा था उसे। उसके चेहरे में फिर भी मतलब मुस्कान थी कि चलो अब मैं दुनिया देख पा रहा हूँ, लोगों को हाथ लगा पा रहा हूँ। उसे कैप्सूल से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर उसे बार बार समझाया जा रहा था कि यार तुम्हें अगर बचे रहना है तो कैप्सूल के अंदर जाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारी ज़िंदगी बच पाएगी। उसने हंसते हंसते इनकार कर दिया, चाहे जो हो जाए अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ूंगा, अपनी माँ का हाथ पकड़ के रखूँगा। और यही कहते कहते एक मुस्कान के साथ एक रात वो इस दुनिया से अलविदा कह गया। दोस्तों जस्ट इमेजिन, एक ऐसा बच्चा जो अपने जन्म के साथ से ही मरते दम तक क्वारंटीन रहा, जो अपनी माँ को हाथ लगा पाया लेकिन आखिरी वक्त पर आखिरी सांसें गिनते हुए माँ को ऐसा छू पाया। कितनी ज़्यादा दर्दनाक बीमारी हो सकती, कितनी ज़्यादा खौफनाक बीमारी हो सकती है। शुक्र है कि उस छोटे से नादान बच्चे ने इतना एडजस्ट किया और ये चीज़ पूरी दुनिया में नहीं फैल पाई। अगर वो नहीं एडजस्ट करा होता, नहीं समझ पाया होता चीज़ों को और बाहर आ गया रहता तो क्या होता, कितनी कुछ प्रॉब्लम हो जाती। क्योंकि बच्चे कितने ज़्यादा शैतान होते हैं कि एक जगह पर नहीं बैठते, लेकिन वो बच्चा उस कैप्सूल के अंदर बैठे रहता था, वो जनरेटर की आवाज़ को सहन करते रहता था, कभी भी किसी को परेशान नहीं करता था बाहर निकलने के लिए। कितना समझदार बच्चा रहा होगा। ये बताते बताते तो मेरे भी गूज़बम्स आ गए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कहानी, ये क्वारंटीन का किस्सा कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा खौफनाक बीमारी रही होगी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। और बस यही कहना चाहूँगा, पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक तो कर ही देना, अब तक देखे हो तो कर ही देना दोस्तों, क्योंकि अच्छा लगा है तभी तो देख रहे हो। और बस यही कहना चाहूँगा, कुछ बात करना है तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जुड़े रहना है तो भी क्लिक करो, डायरेक्टली इंस्टा में पहुंच जाओगे। और हाँ रुको 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 रुको, मैं कल के वीडियो में करने वाला हूँ Q&A, तो Q&A के लिए जो भी मन में सवाल आ रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में मत पूछना, इंस्टाग्राम में जाके एक बार मैसेज कर दो, मैसेज जरूर देखूंगा, गारंटी है देखूंगा। तो Q&A के लिए मेरे इंस्टा में जाके मुझे मैसेज करो, मैसेज रिक्वेस्ट आएगी, मैं एक्सेप्ट करूंगा, देखूंगा, जुड़ भी जाएंगे और कल Q&A बनाते हैं कमाल का, तो कल मिलना मत भूलो दोस्तों। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।